रिट लेवल वन ऑफलाइन दस्तावेज सत्यापन लगभग सभी जिलों में दस्तावेज सत्यापन कार्य हो चुका है लगभग साथियों कंप्लीट। अब आगे की प्रक्रिया आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है, डीओ स्तर पर अभ्यर्थियों की डिटेल से शाला दर्पण पर भरी जाएगी तथा लेवल टू वाले अभ्यर्थी जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को लेकर परेशान है, लेवल टू के रजिस्ट्रेशन कब से होने वाले हैं, संपूर्ण जानकारी आपको इसी सेशन में मिलने वाली है। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जैसा कि साथियों आपने आज देखा है, यह दैनिक भास्कर की आज की अपडेट है जिसमें यहां पर बताया गया है जयपुर में लेवल वन के दस्तावेज सत्यापन का काम पूरा, 1691 में से 58 अभ्यर्थी यहां पर साथियों अनुपस्थित रहे हैं। इसके अलावा यहां पर एक चीज और इसमें बताया गया कि अब 17 जुलाई तक शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड होगी डीओ लॉगिन से प्रत्येक अभ्यर्थी की डिटेल, यानी कि शाला दर्पण के माध्यम से आपने अपने दस्तावेज सत्यापन यहां पर साथियों सत्यापित आपके हो गए। अब जो आपके जो दस्तावेज सत्यापन हुए हैं उनकी जो एक प्रकार से आगे की प्रक्रिया होगी वो 17 जुलाई तक शाला दर्पण पोर्टल पर आपकी अपलोड कर दी जाएगी डीओ लॉगिन के माध्यम से साथियों आपके अपलोड की जाएंगे और आगे की प्रक्रिया जो आपकी होने वाली है अब इसी के माध्यम से होने वाली है। अब यहां पर अभ्यर्थियों को चिंतित नहीं होना, जैसा काफी अभ्यर्थी मेरे पास मैसेज कर रहे थे कि सर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हो गया और शाला दर्पण पर भी यस लिखा गया लेकिन अभी तक मैसेज नहीं आया, अब क्या होगा, कहीं हमें बाहर तो नहीं करेंगे और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे कोई भी दस्तावेज में कोई प्रॉब्लम है या फिर क्या है। तो इसको लेकर जैसा कि हम देख सकते हैं यहां पर बताया गया है कि आपके जो अब ये डॉक्यूमेंट होंगे साथियों शाला दर्पण पर अपलोड होंगे डीओ लॉगिन के माध्यम से। ओके भाई, यहां पर हर अभ्यर्थी की डिटेल यहां पर साथियों अपलोड की जाएगी और जैसे आपकी अपलोड होगी तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको किस तरीके से अपने डिटेल्स को साथियों आपको देखना, ठीक है। तो चिंतित होने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसके बाद जो आगे की प्रक्रिया होगी साथियों लेवल वन की, ये दस्तावेज अपलोड होने के बाद डीओ लॉगिन के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेज अपलोड होंगे और इसके बाद फिर साथियों आपके एक गुना जो अभ्यर्थी होंगे उनकी लिस्ट जारी की जाएगी, ठीक है भाई। ओके, तो ये तो था साथियों लेवल वन के बारे में।